मेरे दोस्त, आज हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी बात आपको बताऊंगा। धैर्य धारण करके पूरा वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद बताइए कि अभी और आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जो आप एक्सपेक्ट करते होंगे मुझसे, मैं वो सारा कार्य करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। जितना भी आपका एक्सपेक्टेशन होगा मैं उसको फुलफिल करने का भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त, मैं अपने टॉपिक पर आऊं इससे पहले आप सभी लोग से मेरा अनुरोध है, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक जरूर करेंगे। मेरे दोस्त, आज मैं अपने टॉपिक पर आने वाला हूं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आप सीखने वाले हैं मजा आ जाएगा, बहुत बेहतरीन चीज है। दोस्त, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर्स ऑफ नाउंस। नंबर्स ऑफ नाउंस, उसके पहले आप जानिए दोस्त, नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। और बहुत दिन से आप जानते हैं सिंगुलर नंबर जिसे हमें एक का बोध होता है, प्लूरल नंबर जिसे एक से अधिक का बोध होता है। हम पहले शुरू से एक सीखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किसी नाउन में, किसी सिंगुलर नाउन में हम यस या ईएस ऐड करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलने वाला है मेरे यार, उसके कुछ रूल्स हैं जिसको कि आपको कंप्लीटली याद रखना चाहिए। वो जो रूल्स है मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। और मैंने आपको जो कहा कि आप मुझसे जो एक्सपेक्ट करते हैं उसको जरूर बताएं। फर्स्ट रूल्स है दोस्त सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में यस, डबल यस, यस यच, सी यच, यक्स और चेट, क्या बताए, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में यस, डबल यस, यस यच, सी एच, यक्स और जेड रहता है दोस्त, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं, ग्लास, जी एल ए डबल एस, इसका हमको प्लूरल बनाना है तो होगा ग्लास में क्या जुड़ेंगे, जी एल ए डबल एस ई एस। इसका मतलब जितना हम बताए जिसके अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस यस, यक्स और जेड रहेगा उसमें हम लोग प्लूरल ईयर जोड़कर बनाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड रूल है दोस्त, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई होता है उसके लिए दो रूल्स हैं, अंत में वाई हो और उसके पहले वॉवेल्स हो तो हम लोग उसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ओके। जब अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम लोग आई लिख देते हैं और उसके बाद यस जोड़ते हैं। जैसे दोस्त मेरे, जैसे आपको हम बोले बॉय, बी ओ वाई, इसके अंत में वाई है, इसके पहले वॉवेल्स है तो हम इसका जो प्लूरल बनाएंगे बी ओ वाई यस खाली जोड़ देंगे। अगर अंत में वाई है जैसे बेबी है, बी ए बी वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो इस स्थिति में बी ए बी वाई भी लिखेंगे आई, तब का जोड़ देंगे ई एस। तो वाई के दो रूल्स हो गए दोस्त। जैसे वाई के लिए दो रूल्स है उसी प्रकार से ओ के लिए भी दो रूल्स है। अगर सिमिलर नाउन के अंत में ओ है,
अब उसके पहले भावेल है तो हम उसको पुलर बनाने के लिए सिर्फ यस का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर नाम के अंत में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसको पुलर बनाने के लिए यस का प्रयोग करते हैं। ओके माय डियर, अगला पुरुष है दोस्त जिस सिंगुलर नाम के अंत में यप हो या यप ई हो उसको पुलर बनाने के लिए यप को हम लोग भी लिख देते हैं और उसके बाद ईएस को लिख देते हैं। यप ई रहेगा तो उसको भी लिख देंगे उसमें ईएस जोड़ देंगे। बहुत सारे उसके उदाहरण हैं और कुछ ऐसे भी सिंगुलर सिंगुलर बनाने के नियम हैं जिसमें हम भावेल्स को बदल के कर देते हैं, जैसे चाइल्ड है सॉरी मैन है, मैन का मैन, ओमैन है ओमैन का ओमैन का ओमैन, टूथ है टूथ का टीथ, गुज है गुज का गिज, इसमें हम लोग भावेल्स को चेंज करके पुलर बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जैसे फादर इल्ला है उसका पुलर बनाना है तो फादर सिल्ला, मदर इल्ला है मदर सिल्ला, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पहले से ही सिंगुलर में भी उसी तरह प्रयोग होता है प्लूरल में भी उसी तरह से प्रयोग होता है। कुछ ऐसे भी नाउंस हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं जैसे ट्राउजर है सेरिस है। जो हम रूल्स पढ़ते हैं उसके अलावे कुछ अपवाद भी हैं जो रूल्स वहाँ काम नहीं आते हैं, जैसे अंत में सी एच है अगर सी एच का उच्चारण क हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग सी एच नहीं जोड़ते हैं दोस्तों, वहाँ सिर्फ यस लगा देते हैं। यफ वाले में भी बहुत सारे ऐसे हैं उदाहरण जिसमें कि आपका जो रूल्स बताया गया उसे वो फॉलो नहीं कर पाता है, उसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जो हम आपको हेल्प किए आप पहले उस चैप्टर में जाकर सिंगुलर से प्लूरल में पढ़िए और पढ़ करके ये बताइए कि आपको क्या चीज उसमें समझ में नहीं आया। जो बात आपको समझ में नहीं आई मेरे पास भेजिए, मैं फिर डिस्कस करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।